वेलकम टू निया इमेजिनेशन डॉट कॉम। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब तो कीजिए। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि फ्रॉक सूट्स को स्ट्रेट वाले सूट कैसे बनाते हैं, क्योंकि आप फ्रॉक वाले पहन पहन के थक जाते हो, तो उसके बाद उसके लुक अगर चेंज हो जाए, उनके अगर हम स्ट्रेट सूट बना ले तो हम उसको डेली वेयर में इजीली पहन सकते हैं। पर से आपको अभी कोई चेंजेस नहीं करने, ये जो आपका ओपन वाला पार्ट है, आप देखो आपके फ्रॉक स्टाइल सूट में कैसा है, यहाँ से बिल्कुल प्लेन है, तो ये उसको बिल्कुल ओपन करके रख दीजिए, ऐसे कहीं पे भी रख दीजिए। और मेरे केस में अगर मैं देखूँ तो ये फ्रंट स्लिट का लुक आ रहा है, तो अगर ये रहेगा यहाँ पर तो मुझे अच्छा लगेगा। अगर मैं स्ट्रेट वाला भी पहनूंगी तो फ्रंट स्लिट का अगर लुक आएगा तो वो भी अच्छा लगेगा, तो मैं इसको ऐसे कर देती हूँ, ठीक है। और अगर आपके केस में ऐसा कुछ नहीं है तो बिल्कुल अच्छे से खोल कर इसको ऐसे रख दीजिए। जो भी सूट आपको सही आता है उसको इसके ऊपर आप प्लेस कर देंगे, रख देंगे बिल्कुल सेंटर में सही ढंग से, ठीक है। इसके बाद हम पहले मेजर करेंगे कि आपको लेंथ कितनी चाहिए, क्योंकि फ्रॉक वाले पूरे लंबे होते हैं तो हमें इसकी लेंथ कितनी चाहिए हम ये मेजर करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो जितनी भी लेंथ है ये है 35, लेकिन मुझे इसकी लेंथ मुझे चाहिए होगी 38 यहाँ पर आ रहा है, इससे मैं 2 इंच नीचे बॉटम करने का मार्जिन ले लूँगी। 40 इंच की मुझे लेंथ चाहिए। ऐसे ही दूसरी साइड पर भी मैं इसकी लेंथ चेक करूँगी कि कितनी चाहिए। और अगर आपके फ्रॉक वाले सूट में नीचे लाइनिंग लगी है, अस्तर लगी है, तो उसको भी बिल्कुल ऐसे ही आपने रखा है और सेम ऐसे ही मेजरमेंट कर रहे हो आप, वो भी बीच में ही कट होगी। अब क्या आपने लेंथ यहाँ पर मेजर कर ली, इसके बाद इसकी साइड टर्निंग के लिए भी चाहिए, तो यहाँ से हम ऑलमोस्ट 2 इंच का मार्जिन अभी रखेंगे इस तरीके से, और दूसरी साइड में भी इसको यहाँ पर भी 2 इंच का मार्जिन रखते हुए इसको पूरा मार्क कर लिया लास्ट तक, ठीक है। तो ये आपकी हो जाएगी साइड टर्निंग, यहाँ पर आप कर लोगे 2 इंच की बॉटम टर्निंग, ये मुझे रेडी चाहिए और यहाँ पर मैंने बॉटम टर्निंग के लिए रख लिया। मैं यहाँ पर मेजर कर लूँगी कि ऊपर से लेकर यहाँ काज ओपन कहाँ चाहिए, या आप ओल्ड ड्रेस से चेक कर लो कि यहाँ पर इधर इस पॉइंट पे आ रहे हैं, यहाँ से भी चेक कर लो कि इस पॉइंट पे साइड ओपन आ रही है, तो इतनी इधर से लेकर यहाँ तक आती साइड स्लिट ओपनिंग होगी। तो इसकी जो फ्रॉक सूट है, इसकी जो चोली है, इसमें कोई कटिंग नहीं आ रही, इसकी जो साइड पार्ट है, इस चोली के बाद जो साइड पार्ट स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर हमारी कटिंग आ रही है इस सूट के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर अगर इसकी कोई डोरी वगैरह है तो इसको बाहर साइड कर लो, जैसे कि इसमें है, आपने सिर्फ इसको कटिंग करने हैं। और इसके नीचे अगर लाइनिंग लगी है तो लाइनिंग भी कट होगी। इसको देखो 2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हम साइड को कट कर रहे हैं। कर लिया है, उसके बाद ये जो स्लीव्स है ये बहुत ही लंबी है, ठीक है, मुझे इसको छोटा करना है, तो मैं इसको छोटा कैसे करूँगी, जितनी भी स्लीव्स की लेंथ चाहिए यहाँ से दोनों स्लीव्स को बिल्कुल इक्वल रख लिया, आप देख सकते हैं इन दोनों की स्टिचेस को एग्जैक्टली इक्वल मेज़र करके
यहाँ पर रख देंगे ताकि हम दोनों स्लीव्स को सही से काट पाए। ऐसे रख दिया और यहाँ बनी हुई है मेरी पफ स्लीव्स, तो मैं इसको पफ ही रहने दूंगी। अगर आपकी सिंपल स्लीव्स बनी है तो भी अच्छी है, तो भी उसको सिंपल ही रहने दीजिए। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक, अगर आपको फुल स्लीव्स का चाहिए तो आप रख सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक टोटल मेरे को लेंथ चाहिए स्लीव्स की बहुत छोटी सी, 4 इंच की, ठीक है, 4 इंच की, लेकिन 1 इंच नीचे बॉटम टर्निंग के लिए भी जाएगा, तो मैंने 1 इंच बॉटम टर्निंग का मार्जिन रखा। और इसको यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल स्ट्रेट ले आएंगे, बिल्कुल सीधा ध्यान से, ऐसे। सीधा ले आए यहाँ तक, क्योंकि मैं बहुत छोटी स्लीव्स बना रही हूँ तो यहाँ पर थोड़ा सा ही बचेगा। ये ऑलमोस्ट 1.5 इंच बचा है, ये 1.5 इंच बचा है यहाँ से, ठीक है। तो आप जितनी भी बड़ी बनाओगे तो वो उस अकॉर्डिंग यहाँ पे नीचे ये वाला क्लॉथ बचेगा। ऐसे दोनों क्लॉथ के ऊपर ऐसे हाथ रखेंगे ताकि नीचे वाली स्लीव्स भी करेक्टली कट हो जाए, ऐसे, और कट कर देंगे। ऐसे हमने इसकी कटिंग कर दी। अब इसकी बॉटम टर्निंग कर देंगे, यहाँ से स्टिच हुआ है, ठीक है। तो अब आप स्विंग मशीन पर जाके भी इसकी बॉटम टर्निंग कर सकते हो। एक बार टर्न करोगे 1/2 इंच, फिर दूसरी बार टर्न करोगे, यहाँ पे कॉर्नर्स पे पूरा गोल घेरे पे स्टिच कर दो, नहीं तो आप हाथ से तुरपाई भी कर सकते हो। इसकी बॉटम टर्निंग कर देंगे इन दोनों स्लीव्स की। ये देखो, ये जो स्लीव है, यहाँ का जो नीचे वाला पार्ट है, यहाँ से मैं इसको बॉटम टर्निंग करना स्टार्ट कर दिया है, ऐसे एक साइड से। आप स्विंग मशीन पर जाकर इसके ऊपर डायरेक्ट सिलाई भी लगा सकते हो नीचे की साइड पर, ठीक है। मैं सुई धागे से इसकी बॉटम टर्निंग कर रही हूँ, ऐसे। देखो, धागा नीचे वाले, सुई नीचे वाले पैनल पे लेकर गए, फिर ऊपर इसके अंदर से निकाली, तो ये आपकी तुरपाई हो जाती है। ऐसे ही आप इसकी पूरी बॉटम टर्निंग कर लो। का जो नेक डिज़ाइन है, ये गला है, ये आगे का गला इतना है, ये ठीक है। जो पीछे का गला है, ये बहुत ही ज़्यादा छोटा है। अगर इसको भी आपको बड़ा करना है तो आप ऐसे ही कर सकते हो। जितना भी आपको पीछे का गला चाहिए आप उतने पे मार्क कर लो। जैसे मुझे 5.5 इंच चाहिए, ठीक है, तो मैं उतने पे मार्क करके यहाँ पे सर्कुलर शेप दे दूँगी। ऐसे मैंने सर्कुलर शेप दे दी, ठीक है। और इसकी भी हम कटिंग कर देंगे। आप जो फ्रंट का गला है उसको साथ साथ ना काट दो, तो उसको पीछे कर दीजिए और इसको ध्यान से पकड़ के ऐसे कटिंग कर दो। ये कटिंग करते वक्त ये परफेक्ट शेप दे दूंगी मैं। यहाँ पे जहाँ पे मुड्डे जुड़े हुए हैं, शोल्डर जुड़े हुए हैं, यहाँ से थोड़ा सा बाहर के अंदर की तरफ एक्स्ट्रा कट करना है थोड़ा सा। अब ये हमारे पास बैक का गला आ गया जो डीप हो जाएगा। अब ये हमारे पास बैक का गला आ गया जो कि डीप हो गया है। अब जो गले में से बचा है आप उसमें से भी रेप पट्टी काट सकते हो। ये आपके पास, जैसे ये सीधा कपड़ा है, यहाँ से हमने टेढ़ी पट्टियाँ काटनी है, तिरछी पट्टियाँ काटनी है। जो भी एक्स्ट्रा क्लोथ अब इस अनारकली में से बचा होगा उससे हमने ऐसे तिरछी पट्टियाँ काटनी है। लीजिए, इतनी पट्टी बहुत है। ऐसे इसको एक साइड से स्टार्ट हो जाएंगे। ये कपड़े की सही साइड है, ये कपड़े की सही साइड है। एक साइड से स्टार्ट हो जाएंगे, सिलाई मशीन पर जाकर यहाँ से ऐसे इसको स्टिच कर देंगे पूरा। तो यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे बैक पैनल के एक कॉर्नर से, बिल्कुल ज़रा सा मशीन के 1 फुट का मार्जिन छोड़ते हुए इस पट्टी को इसके साथ स्टिच कर देंगे। इसको बायस टेप बोलते हैं इंग्लिश में। यहाँ से ऐसे खोलेंगे, यहाँ पे स्टिच किया है, इसको पीछे की साइड पे ऐसे ले जाएंगे। यहाँ से भी हम पहले ऊपर से थोड़ा सा एक्स्ट्रा कट करके ऐसे फिनिशिंग कर देंगे। यहाँ से एक्स्ट्रा जो है इसको अंदर को टर्न करेंगे ऐसे, और अब हम इसको पीछे की साइड पर ले जाएंगे।
ये बिल्कुल बारीक सी पाइपिंग आ जाएगी, अगर आपको पाइपिंग रखनी है तो, नहीं रखनी तो इसको बिल्कुल पूरा पीछे भी लेकर जा सकते हो। और पीछे से देख सकते हैं आप, ऐसे टर्न करके इसको अंदर की तरफ ऐसे भी टर्न कर सकते हो। देखो ये पूरा है, इसको ऐसे अंदर की तरफ टर्न करो पहले आधा इंच ऐसे, और फिर ऐसे अगर टर्न करके सिलाई करोगे तो ये यहाँ पर भी फिनिश हो जाएगा, आपको दोबारा तुरपाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम ऐसे ही टर्न करेंगे हर बार। देखो यहाँ से पहले हाफ इंच अंदर की तरफ, यहाँ से हाफ इंच पहले अंदर की तरफ ऐसे टर्न करूँगी, फिर उसके बाद ऐसे टर्न करके हम यहाँ पर इसको स्टिच करेंगे। देखो ऐसे हमने ये गला बहुत ही ज़्यादा छोटा था, इसको हमने ऐसे लंबा कर दिया। ऐसे ही अगर आपके अनारकली में या किसी भी सूट में अगर ऊपर कॉलर वाला गला है या फिर गला छोटा है, अगर इतना भी है, इससे भी ज़्यादा डीप चाहिए, तो इसको ऐसे ही हाफ में फोल्ड करके आप डीप कर सकते हो। देखो अगर इससे भी ज़्यादा डीप चाहिए और अगर इतना गला बना हुआ है आपके उसमें, तो आप इसको ऊपर से बिल्कुल नहीं छोड़ोगे, यहाँ से इसको जितना भी डीप चाहिए उतना मार्क करके यहाँ पे सर्कुलर वे में मार्क करके यहाँ से कटिंग कर लोगे। जो हमारा यहाँ पे स्टिच होगा इसके साथ मैच करते हुए ही आपको अरे पट्टी यहाँ से लगा देनी है, तो वो आपके गले का डिज़ाइन भी बन जाएगा और नेक लाइन लंबी भी हो जाएगी। साइड स्लिट को टर्न करना रह गया है, अगर हम देखें तो यहाँ पर ये जो स्टिच है इसको ऐसे खोलेंगे, ऐसे इस तरीके से, इसको ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करना क्योंकि ये अरेप कटा होता है, टेढ़ा कटा होता है, इसलिए इसको प्यार से ऐसे रखना है और ऐसे इसको प्रेस कर देना है। जितना भी हमने साइड स्लिट के लिए टर्निंग छोड़ी थी, जैसे कि इतनी छोड़ी थी, तो इतना रख के इसको प्रेस कर देंगे। अब एक बार और इसको ऐसे टर्न करेंगे। और प्रेस कर देंगे, ठीक है। ऐसे ही हम दूसरी साइड पे भी करेंगे। और इसका जो बॉटम है, यहाँ पर आपने जितना भी टर्निंग के लिए एक्स्ट्रा क्लोथ छोड़ा था उतना ऐसे टर्न कर लेंगे। हाफ इंच पहले टर्न करते हैं और फिर पूरा ऐसे टर्न करके जितना भी आपने बॉटम के लिए टर्निंग छोड़ी थी उसको मेज़र करके आप ऐसे टर्न कर लीजिए। यहाँ पे प्रेस करके अब यहाँ पे सारी तुरपाई कर लेंगे साइड पे और बॉटम पे। इसको करने के बाद अगर आप इसके नीचे लेस भी लगाना चाहते हैं तो नीचे लेस भी लगा सकते हैं, इसको लेंथ बढ़ाने के लिए या फिर और डेकोरेटिव बनाने के लिए इसके ऊपर लेस भी लगा सकते हो। आप देख सकते हैं ये कैसे बिल्कुल फुल घेरे वाली अनारकली फ्रॉक ड्रेस थी, ठीक है। तो इसको हमने कैसे स्ट्रेट ड्रेस बना लिया, यहाँ पर हमने साइड पर, यहाँ पर साइड पे हमने तुरपाई कर ली और बॉटम में भी कर ली। अगर आपके केस में इस पे अस्तर लगा है, लाइनिंग लगी है, तो लाइनिंग को भी इसी के साथ साइड में तुरपाई करोगे और बॉटम और लाइनिंग को साथ नहीं सिलना। तो जैसे पहले बॉटम टर्निंग कर ली ऐसे, और अस्तर यहाँ से खुला रहेगा और साइड में अस्तर आता है यहाँ तक, यानी कि बॉटम, यानी कि जो सूट का कपड़ा है उससे अस्तर छोटा होता है और यहाँ से खुला होता है। ऐसे ही आपने इसे यहाँ पे साइड पे तुरपाई करनी है और फिर बॉटम टर्निंग करनी है। अस्तर की लंबाई इससे थोड़ी कम काट देना। देखिए इसको मैंने साइड से ओपन कर दिया है, तो पहले ये फुल लेंथ का अनारकली सूट था उसको अब हमने साइड से ओपन कर दिया है। आप देख सकते हैं अगर साइड से तो ये ओपन है, स्ट्रेट बन गया है और अब ये इजीली कहीं पे भी घर पे भी पहन सकते हैं। हमने पार्टी वियर सूट के पूरे शौक पूरे कर लिए, अब उसके बाद हम अनारकली सूट घर पे वियर कर सकते हैं। इसकी हमने स्लीव्स को भी छोटा कर दिया क्योंकि डेली वियर में फुल स्लीव्स नहीं पहनी जा सकती थी। अगर हम पीछे से देखें गला बहुत ज़्यादा छोटा था, उसको हमने डीप कर लिया आसानी से, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये स्ट्रेट सूट बन गया हमारा।
जो कि पहले अनारकली फुल फ्लेयर और फुल लेंथ का था। ये फर्स्ट टाइम देख रहे हैं चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब बटन पे जरूर क्लिक कीजिए, और अब आप निया इमेजिनेशन पे क्लिक करेंगे तो आप मेरे चैनल पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पर बेल आइकन पे अगर क्लिक करेंगे तो आपको सभी नोटिफिकेशन मिल जाएंगे जैसे ही न्यू वीडियो अपलोड होगी। आप मेरी वीडियोस यहाँ पे वीडियो कॉलम पे जाके और कोई भी प्लेलिस्ट आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं, सभी वीडियोस यहाँ पर अवेलेबल है।